हेलो गाइस, गुड इवनिंग। देखिए भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक को, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पांच ही क्वेश्चन आज भी डिस्कस हो पाएगा मेरे भाई, कुछ कारणवश आप लोग कहेंगे कि पांच पांच क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एक या कर रहे हैं, तो मेरे भाई चिंता नहीं कीजिए, बहुत ही जल्द आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ जाते हैं और 16 आपके स्क्रीन पर रहा, ठीक। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बोल रहा है कि ए तथा बी को एक साथ मिलाकर या फिर एक साथ मिलकर 13/15 भाग कार्य करना है और बी सी को मिलाकर 11/20 भाग कार्य करना है। यदि ए तथा सी की मजदूरी का अंतर 7600 रुपया है तो ए बी सी की कुल मजदूरी क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा मेरे भाई, ठीक। मजदूरी पूछ रहा है तो मजदूरी किसके अकॉर्डिंग मिलता है, तो आप लोगों कहेंगे कि इसमें दो केस बनता है। हालांकि थ्योरी नहीं समझाए फिर भी थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, ठीक। अगर केस वन की अगर बात करेंगे तो आदमी शुरू से लेकर आखिर तक जब काम करता है ना मेरे भाई, तो डायरेक्ट जो उसकी मजदूरी मिलता है उन लोगों को, वो उनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। यानी कि वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। बट केस टू की अगर बात करेंगे तो मजदूरी किसके अकॉर्डिंग मिलेगी, तो आप कहेंगे कि आदमी कोई इतना दिन कार्य कर रहा है या फिर कोई 5 दिन, कोई 10 दिन, या फिर कोई 13/15 भाग, कोई 10/20 भाग, ऐसे करके काम कर रहा है, तो उसको पार्ट के अकॉर्डिंग मजदूरी मिलेगा। यानी कि वर्क डन के अकॉर्डिंग, जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा, ठीक है ना भाई। सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, हालांकि इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज नहीं है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। ए बी को मिलकर करना है 13/15 और बीसी को मिलकर करना है 11/20। 13/15 और 11/20 करने में दिक्कत है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर वैल्यू है 15 और 20, उसका ले लेते हैं एलसीएम और मान लेते हैं कि यही टोटल वर्क है, ठीक है। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 60। 60 जो है आपका टोटल वर्क है, 60 ही काम को करना है। तो ए बी करेगा 13/15, तो ए बी कितना कर देगा मेरे भाई, तो 60 का 13/15 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 52। ए मिलकर कर रहा है ए और बी, बी सी मिलकर कितना कर रहा है, तो टोटल का 11/20 यानी कि 33। ए कर रहा है बी प्लस सी और टोटल काम 60 को करना है ए बी और सी के द्वारा, यानी ए प्लस बी प्लस सी। यहां से सब कुछ क्लियर हो गया भाई। अब देखिए ए और सी के मजदूरी के बीच का अंतर दिया है, तो पहले पता लगा लीजिए कि ए का मजदूरी क्या है या फिर ए कितना काम कर रहा है और बी कितना काम कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मजदूरी मिलेगा भाई। देखिए तो समझिएगा, ए बी यहां पर 52 है और ए बी सी आपका 60 है, तो उसमें से ए बी निकाल दीजिएगा तो सी डायरेक्ट आ जाएगा 8, ठीक। सी 8 यूनिट काम कर रहा है। ए के बारे में सोचिए, बी सी कितना है, तो आप कहेंगे 33 है और ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 60 है, तो भाई बी सी निकाल दीजिएगा तो बच जाएगा ए, और ए कितना आ जाएगा, तो 60 में से 33 घटा दीजिए तो बच जाएगा 27, ठीक है 27। ए आपका काम के बीच का अंतर हो गया कितना, तो आप कहेंगे कि 8 और 27 के बीच 19 यूनिट का डिफरेंट है, और 19 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 7600। जितना काम कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग मजदूरी मिलेगा। 19 यूनिट काम कीजिएगा और 19 यूनिट काम है, यहाँ पर अंतर है काम में, तो 19 यूनिट का वैल्यू डायरेक्ट 7600 रुपया है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 × 7600 यानी कि 400। बोल रहा है कि ए बी सी यानी कि तीनों की टोटल मजदूरी तो कितना है, 60 यूनिट, तो 6 × 4 = 24 और 24 × 300 ना मार लीजिए यानी 24,000। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है। मजदूरी किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, तो वर्क डन के अकॉर्डिंग मिलेगा, यानी कि वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, ठीक है ना भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 17, चलिए 17 समझते हैं। 17 बोल रहा है कि एक काम 30 दिनों में 35 श्रमिकों द्वारा पूरा किया जा सकता है, यदि प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा भाई।
सबसे पहले तो टोटल वर्क का पता लगा दीजिए। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो 30 दिन है, 35 श्रमिक है, डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। यानी टोटल वर्क है 35 × 105, यानी कि 1050 यूनिट। ठीक है, अगर पहले 10 दिन की बात करेंगे, यानी कि पहले 10 दिन में किया गया काम की बात करेंगे, लिखना नहीं है आप लोगों को, पहले 10 डेज में किया गया कार्य, किया गया कार्य कितना है भाई, समझिएगा। तो 10 दिन के बाद ना 5 मजदूर जा रहा है, अभी तो 10 दिन तक जो काम होगा उसमें 3500 मजदूर रहेगा, तो 35 मजदूर रहेगा और 10 दिन तक काम करेगा, तो 35 × 10 350 काम हो गया। ठीक, उसके बाद अगले 10 दिन की अगर बात करेंगे, अगले अगर 10 दिन की बात किया जाए तो 35 मजदूर में से कितना मजदूर आ गया है भाई, तो 5 मजदूर अब चल जाएगा, 10 दिन के बाद 5 मजदूर चल जाएगा, तो बच जाएगा 30 मजदूर। तो 30 मजदूर 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 300। ये तो अभी 650 हुआ, 1050 के आसपास जाना है। ठीक है, तो अगर फिर अगले 10 दिन की बात किया जाए, ठीक है, अगले 10 दिन का, तो 5 मजदूर और छोड़ दिया भाई, पहले 35 था, 30 हो गया है, अब सिर्फ और सिर्फ 25 मजदूर बच गया, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 250। यानी अब तक कितना काम हो गया, तो 350 और 250 आपका हो जाएगा 600, और 6×3 900 काम हो गया। टोटल काम 1050 करवाना था, 900 काम हो गया है, तो रेस्ट वर्क कितना बच गया मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि रेस्ट वर्क बच गया है 150। ठीक है, 150। तो एक बात समझिए मेरे भाई, अगला अगली जब 10 दिन की बात करेंगे, तो 10 दिन में तो 20 दाह में 200 काम हो जाएगा, तो इतनी पर स्टॉप करते हैं। बहुत लोग सोचेंगे कि अगला 10 दिन और कराइए, तो अगर अगला 10 दिन कराएंगे तो 20 मजदूर हो जाएगा, 10 दिन काम करेगा तो काम 200 कर देगा, क्योंकि रेस्ट वर्क तो 150 करना है, तो 200 काम कहां से हो पाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो अब समझिए, रेस्ट वर्क 150 है, मजदूर कितना बच गया है, तो 25 के बाद अब जो मजदूर बचेगा वो 20 बचेगा, तो 150 काम को 20 मजदूर, और 150 काम को 20 मजदूर कितने दिन में कर देंगे मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 20 ए 2 से कट जाएगा आपका 7.5 बार में। ठीक है, 7.5 बार में, 0 0 खत्म, 15/2, यानी कि 7.5 दिन में। तो बोल रहा है कि कार्य टोटल कितने दिन में पूरा हुआ, तो जोड़ लीजिए कितना दिन लग गया, 10 दिन यहाँ पर, 10 दिन यहाँ पर, 10 दिन यहाँ पर, 30 दिन, और 7.5 दिन लास्ट में, 37.5 दिन लग गया। ठीक है ना, नेक्स्ट 18 बोले कि ए भी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी इसी कार्य का 33.1/3 पार्ट काम जो है अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए इस कार्य का 4/15 आपका भाग जो है कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि 4/15 भाग। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे, ए और बी मिल करके, ए बी मिल करके ले रहा है 25 दिन। ठीक है, और बी अकेले के बारे में बात करेंगे तो 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/3, तो 1/3 भाग अगर 15 दिन में कर रहा है, तो टोटल मेरे भाई 3 यूनिट काम है ना, तो टोटल जो भी डिनोमिनेटर वैल्यू रहता है उसी को हम लोग टोटल मानते हैं, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। 3 पार्ट में अगर 1 पार्ट काम कर रहा है तो 15 दिन लग रहा है, तो टोटल अगर 3 यूनिट काम करेगा तो 15 × 3 = 45 दिन लगेगा। ठीक, 45 दिन। आप देखिए भाई, जो भी आपका डे दिया रहता है उसका ले लीजिए एलसीएम, और मान लीजिए कि वही टोटल वर्क है, तो 25 का सबसे पहले 5 × 5 लिख देते हैं, 5 × 5 में अगर 45 खोजेंगे तो 5 मिल रहा है, 9 नहीं मिल रहा है, तो 9 से गुणा कर दीजिए, एलसीएम निकालने का तरीका, ये एलसीएम हो गया, और यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा, जो भी एलसीएम आएगा उसको टोटल वर्क मान लीजिए। टोटल वर्क में डे से अगर डिवाइड कर दें तो आपका एफिशिएंसी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 5, एफिशिएंसी आ गया। तो बी का एफिशिएंसी मेरे भाई 5 है, और ए प्लस बी का 9 है, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4। ठीक है, ए का एफिशिएंसी 4 आ गया। तो अब बोला है कि ए इस कार्य का 4/15 भाग कितना दिन में पूरा करेगा, तो टोटल वर्क है 5 × 5 × 9 यूनिट, उसका 4/15 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4/15 निकाल दीजिए,
और ए कर रहा है 4 के एफिशिएंसी से, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि वर्क बाय एफिशिएंसी आपका डे हो जाता है। कई बार इस चीज को लिख देते हैं, वर्क बाय एफिशिएंसी बराबर डे। शुरुआत में ही बताए थे कि इस फॉर्मूला का बार बार यूज करेगा, यानी कि डे मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी आपका वर्क होता है, ठीक है ना। 4 खत्म हो जाएगा, ये 5 3 15 हो गया, 3 3 9 हो जाएगा, 3 5 15 दिन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 समझने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, समझिएगा कि ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 42, 84 और 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए है, बी है और सी है, 42 दिन 84 दिन और 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, ए बी और सी। चलिए आगे पढ़िए, बोला है कि ए ने कार्य शुरू किया और तथा बी 3 दिन के बाद उसमें शामिल हो गया, यानी कि ए जब कार्य शुरू करता है तो 3 दिन तक बी उसके साथ नहीं है, नहीं सी है, और 3 दिन के बाद बी उसमें सम्मिलित हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है। अब बोला है कि यदि सी ने आरंभ से 5 दिन के बाद कार्य करना शुरू किया तो ए कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य करता रहा, यानी कि ए जो है टोटल वर्क जितना में कंप्लीट हुआ है वो कितना दिन तक काम किया है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिएगा, सबसे पहला काम है तो जो भी डे दिया रहा है उसका ले लीजिए एलसीएम, और मान लीजिए टोटल वर्क है 84 हो गया आपका एलसीएम, एलसीएम डायरेक्ट निकालने की कोशिश कीजिएगा, ये हो जाएगा टोटल वर्क, 42 × 84, 84 × 1 = 84, 28 × 84। देखिए भाई, ए शुरुआत किया है और 3 दिन तक काम किया है तब ना बी आया, तो ए शुरुआत किया है, अगर 3 दिन तक काम करेगा तो 3 दिन के 6 यूनिट काम हो गया, ठीक है, 6 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। अब बोला है कि सी ने आरंभ से 5 दिन के बाद कार्य करना शुरू किया, तो भाई 3 दिन के बाद अब बी भी आ चुका है, तो ए और बी कितना दिन तक काम करेंगे कि सी आ जाएगा, तो 3 दिन तो हो गया है, 3 दिन के बाद कितना दिन बच गया, तो आप कहेंगे 2 दिन, तो 2 दिन आप काम जो है ए और बी करेंगे, यानी कि 3 के एफिशिएंसी से अगर 2 दिन काम करेंगे तो 2 दुना आप 3 के एफिशिएंसी से करेंगे ना, तो 3 × 6 काम हो जाएगा, ठीक है। अब सी भी आ चुका है, अब रेस्ट वर्क कितना बच गया, तो 6 6 12 घटा दीजिए, तो 84 - 12 आपका 72 वर्क अभी करवाना है। अब तो भाई सारे एक साथ हो गए हैं, तो सारे जब एक साथ हो गए तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 74 काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो आप कहेंगे 2 1 3 3 6 के एफिशिएंसी से काम को करना है, तो 72 / 6 यानी कि 12 दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा। बट क्वेश्चन में मेरे भाई ये नहीं पूछा है कि टोटल मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट किए, बोल रहा है कि ए कार्य पूरा होने तक कितने दिन तक कार्य करता रहा, तो ए तो भाई शुरू से लेकर अंत तक है, तो रेस्ट काम में तो 12 दिन तक साथ में रहा ही रहा, ठीक है, 12 दिन तक साथ में रहा, प्लस बी और सी के भी साथ में रहा है कितना दिन तक, तो आप कहेंगे कि 2 दिन तक, या फिर ए बी के साथ में रहा है 2 दिन तक, माफ कीजिएगा, ए बी के साथ में 2 दिन तक रहा है और उससे पहले शुरुआत में 3 दिन तक वही काम किया है तब जाके बी बंदा आया है, ठीक है, यानी कि 12 × 2 = 14, 3 = 17 दिन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 20 समझिए, बोला है कि ए बी एक साथ काम करते हुए 16 दिन में कार्य कर सकते हैं, सी ए 32 दिन में और सी बी आपका ले रहे हैं 24 दिन, ठीक है, ठीक है भाई, ए बी है, ए प्लस बी मिलकर ले रहे हैं 16 दिन और सी और ए मिलकर कितना दिन ले रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सी और ए मिलकर ले रहे हैं 32 दिन, उसके बाद सी और बी मिलकर कितना दिन ले रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सी और बी मिलकर ले रहे हैं 24 दिन। तो बोले कि उन्होंने 12 दिन तक साथ में काम किया तो शेष काम सी कितने दिन में पूरा करेगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले जो भी डे दिया है उसका ले लीजिए एलसीएम, मान लीजिए कि टोटल वर्क है 16 32 24 का एलसीएम हो जाएगा 96, 16 6 96 हो जाएगा, 32 3 आपका 96 हो जाएगा, 24 6 96 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 6 3 9 4 13, लेकिन 13 नहीं आ जाएगा क्योंकि ए भी दो बार काउंट हो गया और बी भी 2 बार काउंट हो गया और सी भी 2 बार काउंट हुआ, यानी कि 2 गुना एफिशिएंसी आ गया ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है,
तो 6 3 9 4 13 हो रहा है ना, तो 13 का आधा कर दीजिए यानी कि 6.5। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 6.5। और बोल रहा है कि उन्होंने 12 दिन तक साथ में काम किया, तो 6.5 के एफिशिएंसी से अगर 12 दिन काम करवाइएगा तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, तो 12 6 72 और 12 5 60, यानी कि 72 और 6 78 काम कंप्लीट हो गया। तो 78 काम जब कंप्लीट हो गया है मेरे भाई, तो रेस्ट वर्क कितना बच गया है, तो आप कहेंगे कि 18, 18 बच गया रेस्ट वर्क। तो इसी को तो बोल रहा है कि सी कितने दिन में पूरा करेगा, तो भाई सी का एफिशिएंसी भी निकालना पड़ेगा, देखिएगा कैसे। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आया है, तो आप कहेंगे कि 13/2 यानी कि 6.5। सी का एफिशिएंसी निकालना है तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी हटा दीजिए यानी कि 6 को हटा देंगे, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी अगर 6 हट जाएगा तो सी का एफिशिएंसी बच जाएगा 0.5 यानी कि आधा। 18 काम करवाना है, आधा एफिशिएंसी से कीजिएगा तो बट्टे में 0.5 हो जाएगा, यानी कि 18 दुना की 36 दिन, 36 दिन आपका आंसर हो जाएगा। 0.5 कहने का मतलब कि 1/2 और 2 चला जाएगा ऊपर। चलिए भाई, कल से हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे, और 21 हो सकेगा तो 30 या फिर 21 से 40, इतना क्वेश्चन तो कल डिस्कस करना ही करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 या तो 30 करेंगे या फिर 21 से 40, 10 या 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हो सकेगा तो 15 क्वेश्चन भी हो जाए, यानी 21 से 35, ठीक है। और कल लाइव करने की भी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच जो भी लोग मेरे वीडियो को लाइक किए, ठीक है भाई, थैंक यू।